तो आप सबकी डिमांड से सो थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर स्टॉपिंग बाय हेयर। तो आज है WWE की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स। तो आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं हरमन। चलिए वीडियो में चलते हैं। तो सबसे पहले WWE जो कि मे यंग क्लास की जो कि एक टैलेंटेड वुमेन रेसलर थी उन्हें कर दिया है WWE से फायर्ड या फिर कहें रिलीज, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। एबी लेथ जो कि थे उन्हें जो कि है WWE ने अब फायर कर दिया, जो कि अच्छी बात नहीं है। मेरे हिसाब से वो काफी ज्यादा टैलेंटेड वुमेन रेसलर थी और आगे जाकर WWE में काफी कुछ कर सकती थी, बट WWE मे यंग क्लासिक्स वालों को काफी अच्छा मौका नहीं दे रही थी। एक्चुअली WWE टूर्नामेंट वालों को नहीं देती अनलेस 205 वालों को छोड़कर, और किसी को भी WWE इतना अच्छा मौका नहीं देती। इस वजह से जो रेसलर्स हैं वो छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद जो कि अल्बर्टो डेल रियो है, अल्बर्टो डेल रियो को जैसे आपको पता ही होगा कि वो जल्दी WWE में वापस कर सकते हैं जैसे कि चाहते हैं हमारे विंस मैकमैन, उन्हें एक बार दोबारा से WWE में वापस बुलाना। वैसे ये बहुत बार होगा कभी बुलाना और निकालने वाला खेल, बट अगर हम बात करें तो इस टाइम पर किस चीज के लिए बड़ी स्पॉइलर निकल कर आ रहे हैं, जब भी जो अल्बर्टो डेल रियो वो WWE में वापस आ जाएंगे तो उनका और पेज का ऑन स्क्रीन जो की है वो लव अफेयर दिखाया जाएगा और उनका लव ट्रायंगल जो है वहां पर चलेगा। शायद वो स्टार्टिंग से ही बिल्कुल होगा, वहां पर उन्हें पहले रिलेशन में नहीं दिखाया जाएगा, हालांकि वो रिलेशन से आगे निकल चुके हैं, बट पता नहीं क्यों WWE ऐसा करना चाहती है। नेक्स्ट चीज के बारे में बात करें तो वो है ट्रिपल एच से रिलेटेड। जैसे कि ट्रिपल एच हमें पता है कि कुछ बड़ा सरप्राइज जो कि WrestleMania 34 पर दे सकते हैं, तो अभी वो WrestleMania 34 वाले सरप्राइज के लिए काफी से काफी बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं जो कि स्पॉइलर्स अभी के टाइम पर हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा NXT को अपना एक सिंगल्स टाइटल मिलने वाला है जल्द ही फ्यूचर में, और वो फ्यूचर की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा जल्दी है, एक महीने से भी कम, बिकॉज WrestleMania 34 पर जो की है WWE कर देगी अनवील उसे, और जो की कहना है वो ट्रिपल एच जो की है पॉसिबली उसके पीछे है। पता नहीं अब उस टाइटल को क्या नाम देंगे, मेरे हिसाब से जो कि UK टाइटल है उसी को उसमें ऐड कर लेना चाहिए, बिकॉज उससे बेटर WWE को कुछ भी नहीं मिल सकता। अगर WWE को कुछ बेटर मिलेगा भी तो भी इतना मजा नहीं आएगा, बिकॉज नए से नए टाइटल इंट्रोड्यूस करना अच्छा नहीं है, बिकॉज कुछ टाइम बाद WWE को वुमेन्स का भी टाइटल इंट्रोड्यूस करना है, और ये जो कि UK वाला जो कि फ्री लगा है टाइटल इस टाइम पर उसे भी कहीं पर किसी अच्छे शो में डालना है, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बाकी चलो देखते हैं WWE क्या करती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया को देखने के लिए, यहाँ तक वीडियो देख ले तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं हरमन।